पिछोर विधानसभा में विकास जन्मा है, जनता मांगे 30 वर्षों का हिसाब पंजाब सिंह। भरत फिजिकल एकेडमी के शुभारंभ अवसर पर पधारे पंजाब सिंह यादव ने की प्रेसवार्ता। खबर शिवपुरी से आ रही है। खनिया थाना मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा में विकास जन्मा सा लगता है। यहाँ के युवाओं के लिए ना तो रोजगार के साधन के तौर पर कोई विकल्प समझ में आता है, न बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कोई व्यवस्था, बैंकिंग के नाम पर सिर्फ एक स्टेट बैंक, न रेल मार्ग। आखिर इस क्षेत्र की जनता का क्या कसूर है जो प्रदेश की सत्ताधारी सरकारें मुंह मोड़े रहती हैं? ये बात युवाओं को समझना होगा। उक्त उद्गार प्रेस वार्ता के माध्यम से एक दिवसीय खनियाधाना प्रवास पर पधारे पंजाब सिंह यादव ने पत्रकारों के समक्ष व्यक्त किए। मेरा कार्य यहाँ के युवाओं में जोश जगाना है, उनको सही राह दिखाना है। ना मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, ना कांग्रेस को। जो पार्टी हमारी मांगे पूरी करेगी हम उनको वोट करेंगे। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं। ये भाजपा कांग्रेस को जिताती है। वहीं पंजाब सिंह यादव ने कहा कि इस क्षेत्र की विडंबना ये है कि यहाँ भाजपा कांग्रेस को जिताती है। भाजपा नहीं चाहती है कि यहाँ कांग्रेस विधायक हारे, इसलिए ये सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता असहाय रहते हैं और शासन किसी का और हुकूमत किसी की स्थिति बनी हुई है। उच्च स्तर से भाजपा ने यहाँ के विधायकों को वॉक ओवर दे रखा है। संवाददाता शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। आज जैसा कि भरत यादव ने फिजिकल एकेडमी का ओपनिंग की थी, उसमें ओपनिंग में हमारा आना हुआ और यहाँ जो 4-6 लोगों के यहाँ कुछ घटनाएं हो गई थी वो उनके घर जाना हुआ है। आपका लंबे समय से पिछोर विधानसभा में बराबर दौरे लग रहे हैं, तो कहाँ तक इसको क्या समझा जाए? अब मैं तो समझता हूँ कि जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो इसका राजनीतिक अर्थ ही निकालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति की परंपरा ही बन गई कि भेड़ी की खाल में शेर और शेर की खाड़ी खाल में भेड़िया का तरीका अपनाया गया राजनीति, जबकि राजनीति एक माध्यम होती लोगों की सेवा के लिए। राजनीति एक माध्यम है कि क्या आप किसी के कैसे दुख को बांट सको। राजनीति माध्यम है कि किसी गरीब को आप कैसे ताकतवर बना सको, कैसे मजबूत बना सको, कैसे रोजगार उपलब्ध करा सको। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि कैसे हम लोग, अगर यहाँ हम आए हैं, लोग मुझे सुख दुख में बुलाते हैं तो मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं ठीक है मैं भवी नहीं जाऊँगा या यूपी ही जाऊँगा, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं लालच और स्वार्थ से जुड़ी हुई राजनीति है कि भाई जहाँ मुझे राजनीति करना मैं उन्हीं के सुख दुख में जाऊँगा, वहाँ की कहीं नहीं जाऊँगा। जैसा कि अभी चुनावी वर्ष है तो चुनाव वर्ष में आपकी थोड़ी सक्रियता यहाँ पे ज़्यादा बढ़ी है, तो इस चीज़ का लोग अर्थ इसी चीज़ से निकाल रहे हैं कि ये कहीं पंजाब भाई साहब का जो है राजनीति में डेब्यू करने का यहाँ पर इरादा है कि क्या है इस चीज को लेकर के आपके ऊपर जो प्रश्न है लोगों का, जो क्या आप इसके विषय में कहना चाहते हैं? एक्चुअल है क्या कि राजनीतिक वर्ष उनके लिए होगा जो चुनाव लड़ रहे हैं या जिन्हें चुनाव लड़ना है या जिनको चुनाव लड़ने की मंशा है। मेरे लिए हमेशा राजनीतिक वर्ष रहता है। मैं लोगों को जगाने का काम करता हूँ कि लोग कैसे जागें। यूथ मेरा सबसे बड़ा मकसद रहता है कि यूथ कैसे जागृत हो। नौजवान और किसान, ये दो चीज़ें रहती हैं। मैं चुनाव से काफ़ी टाइम से पहले आ रहा, मैं आपको पता होगा दे तो अभी आपको लग रहा कि साल भर मैं करीब 10 साल हो गए। हाँ ये बात जरूर है कि अब लोग यूथ जुड़ रहा है, यूथ बुलाता है, लोग बुलाते हैं तो मुझे आना पड़ता। मैं अब ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं आऊँगा, कल आप मुझे बुलाओ मुझे आना पड़ेगा। तो मेरे लिए कोई चुनावी वर्ष नहीं आ कि चुनावी वर्ष मेरे लिए हो, और चुनावी वर्ष जनता के लिए भी नहीं है। बहुत जीवन में लोगों ने चुनाव देख लिए, हर बार वोट दे लिया और हर बार जो स्थितियां हैं वो स्थिति उनके सामने है। क्षेत्रीय दृष्टि से आप क्या देखते हैं यहाँ पर, मतलब ये क्षेत्र आपको किस तरह से नजर आता है? मैं सच बताऊं तो मैं तो ये राजनीति से ऊपर हट के बात कर रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं जिस जगह जाऊं कहूं कि ये गांव बहुत प्यारा है, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईमानदारी से मैं कह रहा कि पिछोर विधानसभा के लोग बहुत सीधे और सज्जन हैं, बहुत ज़्यादा दिल के साफ। वो सिर्फ प्रेम के भूखे हों, प्रेम के लिए लोगों के साथ कुछ भी करने को तैयार हैं। और विकास की दृष्टि से कैसा है ये क्षेत्र? विकास की दृष्टि से तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे मैं ही 2-4 लोगों को, आप कल ही मैं आपके यूथ मीडिया के हैं कोई ठाकुर साहब हैं, उनकी डिलीवरी हुई तो मैं जर्मनी देखने गया था, जब मेरी उनसे बात हुई और एक आपके विजयपुर के मुकेश मास्टर हैं, उनने मुझे रात में 11 बजे फ़ोन लगाया कि भाई साहब बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो मैंने फिर स्पर्शो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से बात की, उनको एडमिट करवाया। तो ये अगर आज यहाँ आपके बहुत अच्छे मेडिकल होता तो आज आपकी कई लोग जान से मरने से बच जाते।
आपके यहाँ, अगर आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा कॉलेज होता तो आज बहुत से लोग नौकरियां कर रहे होते, आर्मी में होते, नौकरी कर रहे होते। अगर आपके यहाँ कोई उद्योग होता, फैक्ट्रियां होती, तो आज लोग बाहर नहीं जा रहे होते, नौकरी के लिए भटक नहीं रहे होते। तो ये तीनों चीज़ें नदारद हैं। और ये मैं मानता हूँ कि जो आपके यहाँ जो रोड हैं आज गाँव में, ये किसी नेता की देन नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना, जो कि आज हम गांव तक गाड़ी से पहुंच रहे। नहीं, अगर इस योजना को हटा दो तो कहीं पर भी विकास नाम की कोई चीज़ नज़र आती नहीं। अगर आती हो तो आप पत्रकार महोदय हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ की ये विकास हुआ है। विकास ये हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति आपकी चटक रही है। वहाँ एक भव्य मूर्ति होना थी, फव्वारा लगे होने थे। वहाँ जो भारत का पूरा हीरो था, आज उसकी अगर मूर्ति उखड़ने पे, गिरने पे आशंका है, तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है।